हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है लोकगीत। तो आज हम आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है? पढ़ना आपको खुद है ये चैप्टर। तो हम कराएंगे आपको यहाँ से, देखो इसमें है कुछ करने को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, निम्नांकित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और अपने साथियों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए, ठीक है? इसे अच्छे से पढ़ना है और इसमें से 5 प्रश्न बनाने हैं अपने साथियों से पूछने के लिए। देखो, भारतीय आर्केस्ट्रा के योग से भी लोकगीत गाए जाते हैं। इन्हें एक या अनेक लोग मिलकर गाते हैं। अधिकतर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के जवाब के रूप में या एक साथ मिलकर भी इन्हें गाते हैं। इस प्रकार के गीत वस्तुतः पश्चिम और नए भारत के मिले जुले प्रयास हैं। मधुर, तेज या ढीले कृत्रिम स्वर में ये गीत गाए जाते हैं। यद्यपि ये शास्त्र की दृष्टि से नगण्य हैं, तथापि अब काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। ये देशी विदेशी और अशास्त्रीय गवारू गानों के बिगड़े रूप हैं, ठीक है? इस पैराग्राफ में से आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। देखो मैं बताती हूँ आपको बना के। क्वेश्चन आप इस तरह बना देना, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया है मैंने, इन्हें कितने लोग गाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाया है, अधिकतर यह कितने लोगों द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाया है, ये गीत किस स्वर में गाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इनका शास्त्र की दृष्टि से क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर फाइव बनाया है, ये किसके बिगड़े रूप हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं बनाकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, अपनी दादी नानी तथा पास पड़ोस की महिलाओं से पूछकर कुछ लोकगीत संकलित करें तथा उन्हीं से जानकारी करें कि ये किस अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है? ये गीत आपको अपने आस पड़ोस से इकट्ठे करने हैं या खुद करना क्वेश्चन सेकंड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षक की सहायता से एक ऐसी बाल सभा का आयोजन करें जिसमें कक्षा के सभी छात्र केवल लोकगीत ही प्रस्तुत करें, ठीक है? ये भी बाल सभा से रिलेटेड है, ये आपको खुद विद्यालय में अध्यापक कराएंगे। उसके बाद है हमारे पास विचार और कल्पना, इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से हमें क्या क्षति हो सकती है, इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर, लोकगीतों में लोगों की दिलचस्पी कम होने से अपनी सभ्यता संस्कृति और ग्राम्य जीवन की सीधी सरल शैली से दूर हो जाएंगे। इन्हें बढ़ावा देने के लिए हमें लोक गायकों नर्तकों आदि को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं किंतु सभी का मूल भाव एक ही होता है जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है। बताइए कि और कौन से घटक होते हैं जो देश की अनेकता में एकता को व्यक्त करते हैं। सेकंड का आंसर है, देश के प्रत्येक क्षेत्र के लोकगीत अलग अलग होते हैं किंतु सभी का मूल भाव एक ही होता है जो अनेकता में एकता को व्यक्त करता है, ठीक है? तो इसका आंसर है हमारे पास ये, पर्व त्यौहार सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करते हैं। कौन कौन से घटक हैं? पर्व त्यौहार सुख दुख के साथ निभाना, सुख दुख में साथ निभाना, मिलजुल कर रहना आदि घटक देश की अनेकता में एकता व्यक्त करते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा इसका आंसर सेकंड वाले का। अब है हमारे पास निबंध से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कव्वाली के अलावा कौन से गीत हैं जिनमें टोली बनाकर प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है हमारे पास, गरबा, गिद्दा, सरहुल, बिरहा, होली, चीता आदि, ठीक है?
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे यहाँ महिलाएं कब कब किस प्रकार के गीत गाती हैं, उन गीतों को कौन सा गीत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, हमारे यहाँ महिलाएं मुंडन, उपनयन, विवाह, मटकूड, ज्योनार, जन्म आदि के अवसरों पर स्थानीय गीत गाती हैं, इन गीतों को सोहर, बानी, सेहरा आदि कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। देखो ये रहा आंसर, लोकगीत हमारे देश के पहाड़ी, जंगली, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं तथा रसिकता, सरसता, लोक जीवन की सुंदरता, मिट्टी की महक, संस्कृति के दर्शन आदि इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोकगीत किन किन रागों पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है हमारे पास, लोकगीत साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, शावन, सोरठ आदि रागों पर आधारित होते हैं। उसके बाद है हमारे पास भाषा की बात, इसमें है क्वेश्चन नंबर वन, पाठ में पुनरुद्धार शब्द आया है जो दो शब्दों पुनः प्लस उद्धार से मिलकर बना है, इसी आधार पर निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, जैसे पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, पुनर्बोध, पुनरागमन, पुनरुक्ति, इनका हमें संधि विच्छेद करना है। तो देखो इनका संधि विच्छेद है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस आवृत्ति, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद पुनः प्लस जन्म, पुनर्बोध का संधि विच्छेद ये बोध है बोध, पुनर्बोध का संधि विच्छेद पुनः प्लस बोध, पुनरागमन का संधि विच्छेद पुनः प्लस आगमन और पुनरुक्ति का संधि विच्छेद पुनः प्लस उक्ति। ठीक है, अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन, सर्वजन शब्द में इक प्रत्यय लगाकर सार्वजनिक शब्द बना है, इसी प्रकार नामांकित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए, जैसे सप्ताह, वर्ष, समाज, धर्म, मर्म। तो देखो सप्ताह में एक प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय कहाँ लगता है पीछे, तो सप्ताह प्लस एक क्या बन जाएगा साप्ताहिक, वर्ष प्लस एक क्या बनेगा वार्षिक, समाज प्लस एक क्या बनेगा सामाजिक, धर्म प्लस एक क्या बनेगा धार्मिक, मर्म प्लस एक क्या बनेगा मार्मिक। आगे है हमारे पास आंचलिक लोकगीत, ये बुंदेलखंडी है, इसको पढ़ेंगे हम, जंगल में मंगल मना लो, हरे भरे बिरछा लगा लो, जिते जिते धरती है बिरछा विहीनी, जैसे सिंदूर बिना मांग लगे सूनी, ईखो सुहागन बना लो, हरे भरे बिरछा लगा लो। फिर वही जंगल में मंगल, आगे है, मीठे फल फूल लगे झूम रही डरैया, भर दोपहरे इन पे चल रही कुलैया, मिलजुल के इन खो बचा लो, हरे भरे बिरछा लगा लो, जंगल में मंगल मना लो, हरे भरे बिरछा लगा लो। ठीक है, ये बुंदेलखंडी गीत है, ये आपको पढ़ना है बस, और ये है भोजपुरी, इसे कैसे पढ़ेंगे, घेरी घेरी बरसे कारी बंदरिया, किरैया में बूंद टपके, हरियर भैल देखा पूरा सिवनवा, सुखहाल कोई गईले सगरा किसनवा, धरती पहिन लेहली धानी रंग चुनरिया, किरैया में बूंद टपके, अम्बा की डारी पे कूके कोयलिया, मोरवा मोरी निया करेले अटखेलियाँ, धीरे धीरे चले पूर्वी बयरिया, केयरिया में बूंद टपके। ठीक है, ये आपको दोनों पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं करना। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगला चैप्टर है हमारे पास 15, जिसका नाम है खग उड़ते रहना। तो चैप्टर 15 करेंगे हम अगली वीडियो में। चैप्टर 14 की वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।